बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज हम अपना जो चैप्टर है रिलीजन एंड लैंग्वेजेस उसका एक रिलीजन लास्ट रिलीजन यानी बुद्धिज्म को डिस्कस करेंगे। ये भी एक बहुत पुराना रिलीजन है और एक बहुत बड़े रिलीजन्स में से इसके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं सब कॉन्टिनेंट में और फार ईस्ट चाइना और मिड सेंट्रल एशिया के बहुत सारे कंट्रीज में इसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं और एक बहुत बड़े एरिए पे इसके फॉलोवर्स फैले हुए हैं। बेसिकली जो बुद्धिज़्म है वो एक प्रिंस की अगेंस्ट इसकी स्टोरी को अगर देखा जाए तो वो एक प्रिंस था। बेसिकली जो बुद्धिज़्म का फाउंडर था वो एक प्रिंस था और उसके जो फादर यानी जो किंग थे अपने सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त, उसके फॉर्च्यूनर्स ने ये बताया कि ये इसको बिल्कुल भी लोगों से मिलने जुलने ना दिया जाए वरना अदरवाइज ये आपका जो एक औलाद है एक वाहिद जो प्रिंस है इस सिंगल प्रिंस सिंगल सन ऑफ हिज फादर वो इस महल से चला जाएगा छोड़ देगा और आपकी जो है ना वो रूलरशिप या गवर्नमेंट ख़त्म हो सकती है। इसको लोगों से मिलने जुलने ना दिया जाए लिहाजा उनके जो फॉर्च्यूनर्स थे उनकी बात पे अमल किया गया और एट द एज ऑफ 18 ईयर्स तक उसको जो है महल से बाहर निकलने नहीं दिया गया और जो लोग थे उनसे बहुत ही कम इंटरेक्शन रहता था स्पेशली जो आम जो मिडिल एवरेज जो लोग होते हैं नॉर्मल जो इनकी किंगडम थी वहाँ लोगों ना उसमें जाने की इजाज़त थी ना ही किसी लोगों से मिलने की इजाज़त थी। पर एक दफ़ा व्हेन ही वाज यंग उसने बहुत रिक्वेस्ट की और एक दफ़ा वो अपने महल से बाहर निकला और आम लोगों में घूमना शुरू किया। वो सम सॉर्ट ऑफ जो बाजार है वहाँ चला गया और अपने उसके साथ उसके नौकर भी थे बट वहाँ पहली दफ़ा उसने जो है आम लोगों से उसकी मुलाकात हुई। उसको देखा वो बहुत हैरत से उन लोगों को देख रहा था कि इतने क्योंकि वो तो एक महल में रहा था उसके साथ उसके गुलाम खादिम और उसके काम करने वाले नौकर और जो मुंह से कहता था वो बात पूरी होती थी ही वॉज ए प्रिंस। बट जब वो मार्केट में निकला बाहर निकला लोगों से मिला तो उसने लोगों की बहुत ज़्यादा दुख देखी तकलीफ़ देखी और वो हैरान हुआ कि लोगों के साथ इतनी दुख तकलीफ भी होती है किसी कोई ज़ख्मी है कोई बीमार है कोई बेगर है। ये बड़ा हैरान हुआ कि लोग जो है वो इस तरह क्योंकि इसने कभी भी इस तरह के लोगों को देखा ही नहीं था। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक बहुत ही जब ये इन सब लोगों को हैरत से देखता जा रहा था और आगे चलता जा रहा था तो एक बहुत ही जो बूढ़ा एक ओल्ड मैन जो आया उसको पकड़ लिया और हेल्प मांगने लगा और जबकि बहुत ही जख्मी था उसका शायद हाथ भी कटा हुआ था वो देख के बहुत परेशान हुआ और बहुत ही ज़्यादा घबरा गया कि इस तरह के लोग भी होते हैं जो जख्मी हो उसका हाथ भी कटा हुआ और भीख मांग रहा हो। लोगों के इतने दुख हैं उसको पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि लोगों के इतने दुख भी थे किसी के पास खाने के लिए नहीं था कोई ज़ख्मी था कोई बीमार था किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। तो वो बड़ा हैरान हुआ और फिर वो महल चला गया और इन्हीं चीज़ों पर सोचता रहा कि मैं किस तरह से इन लोगों के इस दुख दर्द को कम कर सकूं। लिहाजा उसने ये सब कुछ छोड़ने का इरादा किया क्योंकि उसने कहा कि मुझे इन लोगों की हेल्प करनी है ये दुखी इंसानियत है इनकी मदद करनी कोई ऐसा तरीका निकालना है क्योंकि बादशाह बनने के बाद तो इन लोगों की हेल्प हो नहीं सकती जो कि उसने देख लिया था कि उसका फादर किंग था और सारे लोग जो थे वो दुखी और सैर थे बाहर महल से बाहर बहुत ही बुरी हालत थी लोगों की। तो एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो महल छोड़ देगा लिहाजा उसने अपने बहुत ही जो कॉन्फिडेंस में था उसका एक फ्रेंड था दोस्त था महल के अंदर रहता था उसने उसको कहा कि आज रात को तुम मेरे लिए एक इंतज़ाम कर देना एक घोड़े का और कुछ सामान का ताकि मैं महल छोड़ के निकल जाऊँ। और उसके इस दोस्त ने उसके साथ ऐसे ही किया लिहाजा वो रात को जब सब सो चुके थे तो वो महल छोड़ के महल से बहुत दूर एक जंगल में चला गया। सुबह उसके घर जो
किंग था, वो उसने ढूंढने के लिए लोगों को भेजा। उसके ऑब्वियसली वो मैरिड था, उसके बीवी बच्चे भी थे, प्रिंस तो था, वो लोग भी ढूंढने शुरू किया। लेकिन आखिर वो और वो लेकिन लॉर्ड बुद्धा जो था वो एक जंगल में जाके एक अपनी उसकी वर्शिप, उसने प्रेयर शुरू की और बिल्कुल पीस काम एंड क्वाइट वो बैठ गया और उसने इबादत शुरू की और बिल्कुल खामोश बैठा रहा। इवन कहते हैं कि उसके ढूंढते हुए उसके घर वाले भी पहुंचे, बीवी बच्चे भी पहुंच गए, जिन्होंने उसे महल जाने के लिए बहुत इंसिस्ट किया बट उसने इन सबको रिफ्यूज़ कर दिया। आखिरकार वो वापस महल चले गए। यहाँ पे उसकी जो है उसने अपनी वर्षीय प्रेयर शुरू की और वो एक ही जगह पे बैठा रहा और अपनी वर्शिप करता रहा। उसके खाने के जो क्वांटिटी भी बहुत कम होती गई, पानी भी बहुत कम पीता था, खाना भी बहुत कम खाता था, बहुत ही बिल्कुल वो कमज़ोर हो चुका था और वो वर्शिप करता रहा। आफ्टर ऑब्वियस इस जंगल में और भी बहुत सारे लोग इसी वर्शिप में बैठे हुए थे, वो भी इसी की तलाश में थे कि उसकी जो बेचैनी थी वो किसी तरह से ख़त्म हो जाए। वो जो उसके अंदर में के अंदर एक कन्फ्यूजन थी उसके दिमाग में, उसके दिल में, वो ख़त्म हो किसी तरह। लिहाजा एक दिन उसकी जब वो 40 डेज हुए, वो कहता है जब मैं 40 डेज हुए तो एक आसमान से एक रोशनी उतरी और वो मेरे दिल में जो उतरती चली गई और मैंने अपनी वो जो इतने दिनों से आंखें बंद करके मैं प्रेयर कर रहा था वो मैंने आंखें खोल दी और फिर मैं उठ के खड़ा हो गया। लिहाजा वो उस पोजीशन को, उस सिचुएशन को, उस टाइम को, उस वक्त को क्या कहता है? निर्वाण। यानी निर्वाण मींस हम कह सकते हैं कि इमोर्टल पीस इन हिज माइंड और सोल। एक हमेशा के लिए उसको सुकून मिल गया उसकी रूह को, उसके जिस्म को, जो वो परेशानी या कन्फ्यूजन थी। लिहाजा उसने फिर वो जितने भी लोग थे उसके जो उसकी बात मान ली, उसके पास आ गए और इस तरह से उसने एक नए रिलीजन की जो है वो बुनियाद रखी जिसको बुद्धिज्म कहते हैं। और अपने इस बुद्धिज्म की जो बेसिस थी क्या थी? पीस, लोगों की हेल्प, मदद करना और किसी भी हाल में वायलेंस को अपने हाथ में नहीं लेना, ये बेसिक उसकी जो है वर्शिप थी। और इससे बहुत ज़्यादा लोग जो है एग्री होना शुरू हुए, उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया और इसकी ये जो 8 पॉइंट थे, इसके बेसिक 8 पॉइंट थे जो कि सिर्फ और सिर्फ पीस और लोगों की मदद के बारे में थे, उसको लोग एक्सेप्ट करना शुरू किया और उसका मतलब तेज़ी से फैलना शुरू किया। वाइल उस वक्त पूरे सब कॉन्टिनेंट में मोर देन 3500 ईयर्स पहले हिंदुज़म का बहुत ही रूज पे था, रिलीजन फैलता गया पूरे सफर कॉन्टिनेंट में फैलता गया तेज़ी से। बहुत सारी रेजिस्टेंस आई बट इसका रिलीजन जो था यानी पीस का रिलीजन जो था वो स्प्रेड होता गया ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट। उसकी डेथ के बाद भी उसके जो बहुत सारे फॉलोअर्स इसके रिलीजन को प्रीच करते रहे, फैलाते रहे, बट इसके जो रिलीजन यानी बुद्धिज़्म को जो हाइट मिली वो अशोका दी ग्रेट, जो एक बहुत बड़ा रूलर था सब कॉन्टिनेंट का, उस वक्त मिली। एट द टाइम वो पहले हिंदू था और ऑलमोस्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट अफगानिस्तान और करंट पाकिस्तान और कश्मीर और एक बहुत बड़े एरिए पे उसकी गवर्नमेंट थी, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड अशोका दी ग्रेट। बट उसकी साउदर्न इंडिया यानी साउथ इंडिया पे उसकी गवर्नमेंट नहीं थी, उस जगह पे उसको कब्जा करने के लिए या कंकर करने के लिए एक जंग लड़नी पड़ी जिसे बैटल ऑफ कलिंगा कहते हैं। उसमें तकरीबन 1 लाख लोगों की डेथ हुई यानी सोल्जर्स 1 लाख सोल्जर डेथ हो गई और वो जंग जीत गया। बट इस जंग के बाद उस पर बहुत बड़ा असर हुआ, उसने कहा कि आइंदा से अब वो जंग नहीं करेगा क्योंकि 1 लाख लोगों की डेथ हो चुकी थी। लिहाजा उसने वो हिंदुज़म उसने तर्क कर दिया और वो बुद्धिस्ट हो गया। लिहाजा और उसकी गवर्नमेंट तो पूरे सब कॉन्टिनेंट पे थी, वो बुद्धिस्ट हो गया और बुद्धिज़्म को उसको फैलाने में उसने बहुत ही मदद की और इसी वजह से बुद्धिस्ट सब कॉन्टिनेंट से निकलकर
चाइना, बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर और जापान तक फैल गया, ये जस्ट बिकॉज ऑफ अशोका द ग्रेट, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट बहुत अरसे तक रही और बहुत एक सिल्क रोड जो उस वक्त भी एक रोड था ट्रेडर्स के, और ट्रेडर्स आते जाते थे यहाँ से, तो इसकी प्रीचिंग को लेके जाते थे। इसने जो ट्रेडर्स के रास्ते थे उन पे, अशोका ने इनकी जो पॉइंट थे पीस के, रिलीजन के बड़े बड़े जो स्टोन थे उस पे इंग्रेव करवा दिए थे, और वहाँ से सारे कारवांस गुजरते थे और उनको उसके जो पॉइंट थे उसको पढ़ते थे, उसको रिलीजन से वो भी बहुत ही एक्सेप्ट करते चले गए। इस तरह से ईस्टर्न जो ईस्ट एशिया था या फार ईस्ट एशिया था, वहाँ जो बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैलने लगा। उस पूरे इलाके का, इस पूरे रीजन का जो बुद्धिज्म है या सबसे बड़ा रिलीजन है। अच्छा, बुद्धिस्ट जो है वो किसी लॉर्ड बुद्धा की जो है वो जो प्रीचिंग है उसको उसकी उसकी प्रे करते हैं, लिहाजा बुद्धिस्ट किसी भी आइडल वर्शिप को नहीं मानते। वो सिर्फ और सिर्फ जो बुद्धा की जो प्रीचिंग थी उसको, उस बुद्धा की जो टीचिंग थी उस पे चलते हैं, उसी को मानते हैं, वही उनका रिलीजन है। लिहाजा बुद्धिस्ट के अंदर किसी भी आइडल वर्शिप की कहीं भी झलक नजर नहीं आती। इवन वो इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, श्रीलंका हो, कहीं भी आइडल वर्शिप की कोई नजर, कहीं भी आइडल वर्शिप नजर नहीं आती। तो इस तरह से आज हमने अपना जो चैप्टर है रिलीजन एंड लैंग्वेजेस, तो हमने जितने भी रिलीजन सब कॉन्टिनेंट में बड़े रिलीजन उनको डिस्कस कर लिया, और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सब कॉन्टिनेंट में बोली जाने वाली जो लैंग्वेजेस हैं स्पेशली पाकिस्तान में, हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।